हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम हेरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। वांटेड का सीक्वल नहीं है सलमान खान की राधे, बल्कि ये वांटेड का बाप है। सलमान खान बॉलीवुड में चहेते एक्टर में से एक हैं। ऐसे में फैंस उन्हें प्यार से भाईजान भी कहते हैं। वहीं बॉलीवुड में उन्होंने एक नहीं बल्कि कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हैं। लगातार लोगों को एंटरटेन कर रहे सलमान खान एक बार फिर से चुलबुल पांडे की भूमिका में धमाल मचाने वाले हैं। दबंग 3 का ट्रेलर आने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान भी कर दिया है, जिसका टाइटल है राधे योर मोस्ट अवेटेड भाई। हाल ही में सलमान खान ने अपनी इस नई फिल्म का ऐलान करते हुए राधे फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर किया था और इस बात का खुलासा भी कर दिया है कि उनकी अगली फिल्म राधे योर मोस्ट अवेटेड भाई फिल्म वांटेड का सीक्वल नहीं है। साल 2008 में सलमान खान की फिल्म में वांटेड में उनके किरदार का नाम राधे था, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि यह फिल्म वांटेड की सीक्वल होगी। दबंग 3 के इवेंट लॉन्च के दौरान सलमान खान ने अपनी नई फिल्म के टाइटल को लेकर खुलासा भी किया है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या राधे फिल्म वांटेड का सीक्वल है, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम राधे फिल्म तेरे नाम में था, फिर बाद में वही नाम वांटेड में भी रख दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से एक अलग फिल्म है, इसका वांटेड से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप वो फॉर्मेट में जाएं तो ये वांटेड का बाप है। और आपको बता दें कि राधे को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया है, दबंग 3 को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। और आपको बताते चलें कि सलमान खान इन दिनों दबंग 3 के प्रमोशन में लगे हुए हैं। प्रभु देवा द्वारा निर्देशित दबंग 3 20 दिसंबर को रिलीज होनी है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान और सुदीप भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सई मंजिलकर डेब्यू कर रही हैं। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी न्यूज को todays.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।